आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त किसान भाइयों को, किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना ज़रहिमार अतीकुर रहमान। आज मैं एक फील्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने खुद दानेदार जहर तैयार करवा के बनवाया था और हमारे साथ मिसाली काश्तकार मौजूद हैं, मनीर अहमद खान न्याजी, जो 136 मियाँ चन्नू से ताल्लुक रखते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जो उनको जहर इस्तेमाल करवाया गया, उनके डेरे पे खुद बना के इस्तेमाल करवाया गया था, क्या उसके क्या रिजल्ट हैं और फार्मर उससे मुतमिन हैं, और उससे मजीद दूसरी सही मालूमात भी हम हासिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मनीर साहब क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपना थोड़ा सा तारफ करवा दीजिए। मेरा नाम मुनीर खान न्याजी है, मैं पेस्टिसाइड का डीलर भी हाँ, काश्तकार भी हाँ। मैं बड़े अरसे तो ये मक्की की दवाई यूज कर रहा सा, मसाइल सुंडी कंट्रोल ही नहीं हुई। अच्छा, पिछले साल जहर तकरीबन मल्टीनाई कंपनियां और अक्सर दवाइयां इस्तेमाल की थी, कोई बिल्कुल किसी ने कोई कंट्रोल ही नहीं देता। अच्छा, तो ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो आपने जहर बनाया के मैंने खुद आपके साथ बनवा के इस्तेमाल करवाया था, तो उस जहर के बारे में आप इस फसल में भी खड़े जहाँ पे इस्तेमाल करवाया है, तो उससे क्या मुतमिन है, कैसा लगा वो और उसका खर्च क्या था, ये आप बताएंगे? यार इस बारे तो मैं एक गल करूंगा कि बल्कि इस तो पहले थोड़े थोड़ा मैं थोड़े एक गल दालच देना कि इस तो पहले भी मैं इसे रकबे से एक मक्की काश्त की हुई थी, जड़ी के मैं कणक तो बाद काश्त की थी। उससे मैं तकरीबन फेप्रोनिल इस्तेमाल की थी और दूसरी दानेदार राय की थी, अपना कार्बोफ्यूरान इस्तेमाल की थी, लेकिन उधर मेरे को रिजल्ट नहीं आया। मैं आखिर तक परेशान रहा कटाई तक, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े सामने खड़ी है, देख लो इस दी मैं दो दफा जहर पाशी की थी और जी मैं कहना भी आटे च नमक बराबर भी नहीं हो खर्चा जेड़ा के असी जिस जहर तैयार किया है, बल्कि जहर पवाई महंगी है, जहर जी है वो बहुत घट खर्चे नाल बनी है। और तुसी ये देखो उस जहर दा उस फार्मूले दा कमाल के कोई देखने वाला मेरे देखने वाला दोस्त देख लेगा कि इसकी रंगत इसकी शाइनिंग ए तकरीबन जिस तरह एक कुछ तकरीबन इन्हें डेढ़ बोरी जानी कि जिस तरह डीएपी पाई हुई है, लेकिन डीएपी का एक दाना नहीं पाया था इधरों, ये सिर्फ और सिर्फ दो बोरी यूरिया से खड़ी है इस टाइम। माशाल्लाह। अच्छा, इसका फिर आप साइलेज बनवाएंगे? इसका मैं बिल्कुल साइलेज बनवाना है, डंगरों वास्ते साइलेज वास्ते लाई हुई है और माशाल्लाह मेरी मक्की मैं हर साल सैलेज ही लाना, लेकिन इस दफा मैं मुतमैन हाँ कि इधर टांडे तकरीबन साइज पूरा है, इधर कद भी ठीक है, इसकी ग्रोथ ये तकरीबन इस टाइम में मक्की खड़ी है कोई तकरीबन 35 दिन की खड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 35 तो 40 दिन राउंड अबाउट है खड़ी है मक्की जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके हिसाब से तो देखें कि मक्की की जो ग्रोथ है इस वक्त तकरीबन 5.5 फुट मेरा अपना कद है, माशाल्लाह मनीर खान का भी इतना ही है, ये देख सकते हैं ये हाथ में ऊपर, और इस वक्त तो मकई का कद जो है ये हाथ से भी ऊपर है और ये 35 दिन की मकई है, लेकिन इस पे फर्क ये है कि बाकी खादों का इस्तेमाल वही रूटीन पे ही है, लेकिन जो इस पे दानेदार जहर इस्तेमाल किया गया वो खुद बना के गया था, मुख्तलिफ केमिकलों को मिला के बजरी के ऊपर उसको कोडिंग करके, और मैं आपको इंशाल्लाह उसी की इसी वीडियो के बाद आपको इसकी जो जहर बनाने का तरीका कह रहा है इसी वीडियो में शामिल कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आप एंड पे उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि जहर कैसे बनाना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल आपका उसका रिजल्ट चेक कर चुके हैं, तो मजीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूं, मैंने आप लोगों से आप जिम्मेदार भाइयों से एक वादा किया था कि आपको ना जहर बनाने का तरीका और जो उसमें केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो आपको दिखाऊंगा और उसको बनाने का तरीका भी दिखाता हूँ, तो आइए हमें देखते हैं कि वो जहर कौन सा है, कौन कौन से जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, और जहर दानेदार मकई और चावल गन्ने के लिए जो बनाया जाता है वो उसके लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं वो सबसे पहले ये एक मेरे पास एक पैकेट सा है, इसको आम तौर पे कैंजो के प्रोडक्ट है जबरेक्स कहते हैं, लेकिन इसमें जो असल जहर है वो जबरेले की एसड है, तो जबरेले की एसड हमें 20 किलो जो वज़न हो उसके लिए, 20 किलो जो बजरी है उसके लिए, तो ये एक पैकेट चाहिए होता है।
एक पैकेट 20 किलो बजरी के लिए एक पैकेट जबरेक्स यानी के जबरेले के असर पे चाहिए होता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कोई भी बायो स्टिमुलेंट जो एक अच्छा बायो स्टिमुलेंट बना हो किसी भी कंपनी का हो, कोई जरूरी नहीं है कि किसी खास, लेकिन जो अच्छा बायो स्टिमुलेंट बना हुआ प्लांट ग्रोथ के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम स्प्रे ऊपर से करवाते हैं, जैसे ये सजंटा का ईजा बयान वगैरह या इसी तरह के जो मुख्तलिफ, या मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है सप्लायर क्रिस्टल लाइफ साइंस कंपनी है उसका है, लेकिन मुख्तलिफ कंपनियों के हो सकते हैं, ये मेरा किसी कंपनी की तशहीर करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपने जिम्मेदार भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि बायो स्टिमुलेंट दूसरा जहर क्या है, दूसरा केमिकल आपने इस्तेमाल करना है जो वो है बायो स्टिमुलेंट, और इसके बाद तीसरा जो जहर इस्तेमाल करेंगे उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होगा वो पेस्ट क्लियर, सीगा पेस्ट क्लियर। तो सीगा पेस्ट क्लियर किसी भी कंपनी का आप सीगा पेस्ट क्लियर जो 3% वाला जहर होता है वो इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो चौथे नंबर पे जो जहर है, और इसकी मकदार भी यही है कि ये 20 किलो बजरी के लिए जो जिसके 20 किलो जहर जो दानेदार बनेगा उसके लिए ये एक पैक चाहिए। इसके अलावा जो चौथा आइटम है वो है लैम्डा साइहैलोथ्रीन 10% वाला लैम्डा साइहैलोथ्रीन वो हमें सिर्फ 200 ml चाहिए होगा, तो 200 ml ये, और इसके अलावा जो पांचवा आइटम है ये बजरी चाहिए होगी, तो बजरी ये पांच आइटम इस जहर को दानेदार बनाने के लिए चाहिए होगी। तो इसके बाद हम आपको मिक्सिंग करने का तरीका बताते हैं इसका, तो उसके बाद इसको खुश्क कर लेंगे, तो जिस फसल में भी चाहे चावल में चाहे मकई में इसको आप या गन्ने में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट होंगे, जैसा कि मैंने वो पहली वाली वीडियो में जिसको आप रिजल्ट दिखा रहे थे फील्ड में मकई का, जो हमारे साथ मिसाली काश्तकार मौजूद थे मनी खान साहब, तो उनकी फसल में हमने देखा है। तो यही है इस जहर बनाने के मालूम, मजीद रही मालूम हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब शेयर करें ताकि हर आने वाली नई जरिए मालूम। अच्छा किसान दोस्त भाइयों, अब सबसे पहले आपने जो सीगे पेस्ट क्लियर है इसको बजरी के ऊपर अंडेल देना है, फिर उसके बाद आपने जो है बायो स्टिमुलेंट वो अंडेलना है, फिर उसके बाद जबरेक्स या जबरेले के सड़ा है वो पानी में हल करके उसके ऊपर डाल दें बजरी के ऊपर, फिर इसके बाद एंड पे लैम्डा बच जाएगा, तो लैम्डा 200 ml 20 किलो वाली बजरी पे वो अंडेल के फिर इस तरह अच्छी तरह का से किसी भी लकड़ी के टुकड़े से उसको मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद किसी सायेदार जगह पे 10 से 12 घंटे के लिए खुश्क कर दें। जब ये खुश्क हो जाएगी तो ये बजरी के ऊपर जहर चिपक चुका होगा, तो फिर उसके बाद आप जिस फसल पे भी चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन चावल गन्ना या मकई, इन तीनों फसलों पे इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके और बेहतरीन नतायज लिए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो के यही मैं आपके लिए जो मालूमती वीडियो थी यही थी, तो मज़ीद रही मालूमात के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूं आपका अपना ज़रूरी मार अतीक़ुर रहमान, अल्लाह हाफिज़।